हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? क्या हाल चाल? आज मैं थर्ड पोर्शन लेके आया हूँ क्रैश कोर्स वाला, जिसमें हमने वेक्टर एंड प्रोजेक्टर के क्वेश्चन डिस्कस करने हैं, और साथ में मैंने थोड़ा सा पैटर्न चेंज किया है सो दैट आपको क्वेश्चन की स्टेटमेंट्स विजिबल हों और साथ में प्रॉपरली चीज़ों को अंडरस्टैंड करने में ईजी होगा। तो अभी आप पेपर पेन उठा लो, तो वीडियो को पॉज कर करके आपने क्वेश्चंस ट्राई करने हैं, देन उसके बाद डिस्कशन देखनी है कि क्वेश्चंस को कैसे एक्सप्लेन करूंगा मैं। एंड अगर आप चाहते हो अच्छा परफॉर्म करना, तो वीडियोस के सारे क्वेश्चंस को खुद अटेम्प्ट करके देखो, और अगर कोई कंफ्यूजन या डाउट है तो आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हो, नंबर अवेलेबल है, ठीक है? तो साथ में मैक्सिमम बच्चों के साथ इसको शेयर करो जो इस मोमेंट पे घर पे बैठ के कुछ भी नहीं कर रहे, क्योंकि उनको एक कॉन्टेंट चाहिए अच्छे वाला, ठीक है? तो शुरू करते हैं आज। फर्स्ट स्टेटमेंट है, Which of the following statement is correct about the average velocity of the particle? तो अपने पास जो velocity का मतलब क्या होता है यहाँ पे, ठीक है? Average velocity क्या होता है? ये अपने पास होता है total velocity की बात हो रही है, तो ये अगर total displacement, थोड़ा सा इसको thick कर लेते हैं पेन को, displacement divided by total time taken, ठीक है? अभी यहाँ पे अगर कोई बॉडी मतलब R1 से चल के R2 तक गया, तो उसका ये वाला पोर्शन जो डिस्प्लेसमेंट होएगा, ये डिस्प्लेसमेंट क्या होगी इसकी? डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस वुड बी इक्वल टू दैट वुड बी R2 माइनस R1, ठीक है? क्योंकि ये क्या होगा, फाइनल पोजीशन, दिस इज इनिशियल पोजीशन, तो फाइनल माइनस इनिशियल वी विल गेट डिस्प्लेसमेंट। तो एवरेज वेलोसिटी क्या बनेगी? टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। अगर यहाँ पे टाइम T1 है, यहाँ पे टाइम T2 है, तो अपने पास जर्नी का टाइम कितना आएगा? दैट वुड बी इक्वल टू T2 माइनस T1। तो अपने पास एवरेज क्या होता है? वेलोसिटी का कभी भी डिफरेंस या फिर सम नहीं हो सकता, ठीक है? एवरेज वेलोसिटी को ऐसे नहीं लिख सकते। दिस कैन बी ट्रू इन द केस ऑफ स्पीड, बट इट कैन नॉट बी ट्रू इन द केस ऑफ वेलोसिटी। तो अभी एवरेज वेलोसिटी की बात हो रही है, उसको एक्सेलरेशन के टर्म में डिफाइन नहीं करते। तो अपने पास एवरेज वेलोसिटी को हम डिफाइन करेंगे इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट, जो बाय डेफिनेशन अपने पास है, ठीक है? सिंपल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ये रहा। तो अभी क्या बोल रहा है, एक साइक्लिस्ट है। अभी इस डायग्राम के ऊपर ही मैं ड्रॉ करूंगा, तो आपको इजी लगेगा समझने में। सबसे मैं दोबारा बोल रहा हूँ कि अगर आपको इससे मैक्सिमम आउटपुट चाहिए, तो पेपर पेन उठाओ, पॉज करो वीडियो को, अपने आप सॉल्व करो, उसके बाद देखो मैं कैसे डिस्कस कर रहा हूँ। और क्वेश्चन मिक्स हैं, कुछ अच्छे वाले हैं, कुछ टिपिकल वाले हैं, कुछ ट्रिकी हैं, कुछ स्टेटमेंट वाइज हो जाते हैं, ठीक है? तो मिक्स क्वेश्चन लिए सो दैट आपको करने में कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा कि यस यू हैव द नॉलेज, यू कैन डू इट। अ साइक्लिस्ट स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट ओ, तो एक साइक्लिस्ट है पॉइंट ओ से स्टार्ट हुआ, ऑफ ए सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस, इसका रेडियस दिया हुआ अपने पास 1 किलोमीटर, ठीक है? रीच इज एच पी, पी पॉइंट पे रीच कर रहा है, तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो गया 1 किलोमीटर, ठीक है? उसके बाद P से लेके वो सर्कमफेरेंस से रिटर्न कर रहा है Q तक, तो Q से कितना पोर्शन है? दैट इज 2πr/4। क्यों? ये पूरा पेरीमीटर, सर्कल का पेरीमीटर कितना होता है? 2πr, सभी को पता होना चाहिए। और इसका अगर हम फोर्थ पोर्शन कहते हैं, फोर्थ हिस्सा, तो क्या आएगा? 1/4। तो ये वाला P से लेके Q तक का कितना बना? 2π/4। तो Q से O जाएगा, दोबारा कितना बन गया एक रेडियस के ऊपर, तो बन जाएगा 1 किलोमीटर, ठीक है? रिटर्न्स टू द सेंटर अलोंग QO as shown in the figure. If the round trip takes 10 minutes, तो यहाँ पे कितना time दिया हुआ है? 10 minutes दिया हुआ है. The net displacement and average speed of the cyclist. अभी क्या कर रहा है? Point O से start हो गए, center से start हुआ, घुमा, ऊपर गया, फिर नीचे वापस आ गया. तो इसकी total displacement कितनी होगी? 0. तो first portion में displacement बोला है, तो first portion में displacement 0 है. तो B option में अपने पास first part दिया हुआ है, कुछ numerical value. इसमें कुछ numerical value दी हुई है, तो कैंसिल हो गया, तो अपने पास ऑप्शन क्या बच गया? ए एंड बी, डी। अभी इसमें सॉल्व करेंगे, पर प्रॉपर सॉल्व नहीं करेंगे, मैं सिर्फ आपको आंसर बताने की ट्राई करूंगा, ठीक है? यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे उसने पूछा है डिस्प्लेसमेंट एंड एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड क्या बनती है अपने पास? एवरेज स्पीड क्या होगा? सेम फॉर्मूला जो पहले बताया था, टोटल अगर डिस्प्लेसमेंट है तो वेलोसिटी होगा, अगर स्पीड है तो डिस्टेंस होगा, तो यहाँ पे टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। देखो तो डिस्टेंस कितना हो रहा है? 1 प्लस ये वाला 1 था, उसके बाद 2πr/4, ठीक है? प्लस और दूसरा 1 हो गया, इसकी वैल्यू 1 होगी, ये कैंसिल हो गया, कितना बन गया? 2, तो ये बन गया 1 प्लस 1 2 प्लस
पाई बाई टू, पाई कितना होता है 3.14 बाई टू, तो कितना आ जाएगा, इट वुड बी 2 + 1.57, तो 3.57 बन गया, ठीक है। और उसके बाद वेलोसिटी बोला है, स्पीड बोला मतलब, तो टाइम देंगे लेंगे, तो टाइम है 10 मिनट्स। 10 मिनट्स को लेना तो ऐसे ले सकते हैं, अगर इसको डिवाइड कर देंगे 60 से तो ये बन जाएगा आवर, क्योंकि अपने पास ये डिस्टेंस जो दिया है किलोमीटर में दिया हुआ है, तो 0 से 0 कैंसिल, 6 से मल्टीप्लाई होगा। अभी यहां पे ध्यान से देखो, अगर मैं 3.54 को 6 से मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या मेरे पास 1 की टर्म आती है, मतलब अपने पास दो ऑप्शन है, एक अपने पास ए ऑप्शन है जिसमें एक टर्म दी हुई है 1, दूसरे में अपने पास ऑप्शन है 21 पॉइंट समथिंग, तो किसी भी तरीके से यहां पे 1 नहीं आ सकता, तो अपने पास ए ऑप्शन कैंसिल, तो कौन सा ऑप्शन बन गया, डी ऑप्शन। और यहां से मल्टीप्लाई करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, अपने पास क्या बचेगा, ऊपर देखो साइड पे कर देते, 3.57 × 6, ये वैल्यू क्या होगी, 6 × 3 = 18, तो 20 के अप्रॉक्स होगा, तो ये वाला है। एग्जाम में अपने पास कैलकुलेटर अवेलेबल नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे, हम अप्रोक्सीमेशंस को ही ट्राई करेंगे, ठीक है, हम अप्रोक्सीमेशंस को ही ट्राई करेंगे। ब्लैक ही रख लेते कि चेंज करें कलर, चलो चेंज कर लेते, हर एक क्वेश्चन डिफरेंट डिफरेंट कलर से होगा, अच्छा भी लगेगा, थोड़ा सा फन फैक्टर बन रहा, और कुछ नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 18 क्वेश्चन है। अभी एक पेपर पे मैंने एक साइड पे मैंने दो क्वेश्चंस कर लिए। तो सपोज दैट टू ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी, ए एंड बी दो ऑब्जेक्ट्स हैं, आर मूविंग विद वेलोसिटीज वी ए एंड वी बी, ईच विद रिस्पेक्ट टू सम कॉमन रेफरेंस ऑफ फ्रेम, लेट वी ए बी रिप्रेजेंट द वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, तो वी ए बी बाय डेफिनेशन क्या बनेगा, इट वुड बी इक्वल टू वी ए माइनस वी बी, ठीक है। सिमिलरली वी बी ए क्या बनेगा, यहाँ पे अपने पास ए बी बी ए बी बी ए दिया हुआ है, तो ये कितना आएगा, इट वुड बी वी बी माइनस वी ए, यही होता है, क्यों चोर होता है, तो यहां पे अगर हम ध्यान से देखो इसको प्लस कर देते हैं, अगर प्लस कर देते हैं तो वी बी यहाँ पे नेगेटिव में, वी बी पॉजिटिव में, कैंसिल हो गया, वी बी यहाँ पे पॉजिटिव में, वी ए यहाँ पे, तो प्लस करके कितना था, जीरो, तो अपने पास वी ए बी प्लस वी बी ए कितना बन गया, दैट कम्स आउट टू बी जीरो। ऑप्शन में देखो कौन सा ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन ही आ गया, तो खत्म, अपने पास सोचने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, द कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर, अभी मैं क्वेश्चन चेंज करते हुए उसके मार्कर का कलर भी चेंज कर रहा हूँ, सो दैट आपको डिफरेंशिएट करने में ईजी होगा। द कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर आर अलॉन्ग एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हमने कंपोनेंट देखना है, मतलब अपने पास एक एक्स एक्सिस है, एक अपने पास वाई एक्सिस है, ठीक है। मैक्सिमम उसका कंपोनेंट कब होएगा, अगर यहां पे एक वेक्टर है आर, तो इसका ये कंपोनेंट बनेगा, ठीक है, यहां पे कंपोनेंट बन गया। अभी इसका पोर्शन एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मैक्सिमम कब होएगा, जब ये वाली टिप जो है यहां पे आएगा, तो अपने पास क्या बनता है, 45 डिग्री पे होगा ना, y एक्सिस पे होगा ना, अगर y एक्सिस पे होगा x के साथ कंपोनेंट क्या होगा, जीरो, क्योंकि अपने पास वेक्टर सारा का सारा y एक्सिस में होगा, ठीक है। y एक्सिस में अगर वेक्टर होगा तो उसका x कंपोनेंट कितना हो जाएगा, जीरो। क्लियर सभी को कैसे बोल रहा हूं मैं, तो फर्स्ट ऑप्शन कैंसिल, बी ऑप्शन देख लेते हैं, सी ऑप्शन कैंसिल, डी क्या है, नेगेटिव y एक्सिस। अगर y एक्सिस में चाहे पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है अपना वेक्टर होगा, तो उसका कंपोनेंट जीरो कैसे, सॉरी मैक्सिमम कैसे होगा इन x एक्सिस, उसने पर्टिकुलर हमें दिया हुआ x एक्सिस में मैक्सिमम कंपोनेंट कब होगा, जब वेक्टर खुद उसका x एक्सिस के पास होगा, ठीक है। अगर यहीं पे होगा वेक्टर x एक्सिस के अलोंग, तभी उसका जो कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। क्लियर, ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ज्यादा ऊपर भाग गया, यस ये है। A cyclist is riding at a speed with a speed of 27 km per hour. तो 27 km per hour का हम निकालते हैं मीटर पर सेकंड में, 27 into 5 by 18 करते हैं, तो कितना आएगा, 92 जा फिर 93 जा, this comes out to be 7.5 meter per second. सही लिखा मैंने, ठीक है, सही है। तो साइक्लिस्ट की स्पीड कितनी है, 7.5 meter per second. He approaches a circular turn. सर्कुलर टर्न को अप्रोच कर रहा है ऑन अ रोड ऑफ रेडियस 80 मीटर, 80 मीटर उसका रेडियस है। ही अप्लाइज ब्रेक्स एंड रिड्यूसेस हिज स्पीड एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ 0.5 मीटर पर सेकंड। अभी इसका मतलब समझो क्या है, एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ, स्पीड डिक्रीज कर रही है एट रेट, तो कितनी स्पीड डिक्रीज की, 0.5 मीटर पर सेकंड, स्पीड का तो मीटर पर सेकंड में होगा, टाइम कितना होता है सेकंड, तो कितना बन गया, 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये कौन सी एक्सीलरेशन है, ये एक्सीलरेशन गिवन है, टेंजेंशियल बोल लो, ठीक है, जो मर्जी बोल सकते हैं।
व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ नेट एक्सेलरेशन ऑफ साइक्लिस्ट ऑन द सर्कुलर ग्राउंड। अभी अगर हम चेक करते हैं कि अपने पास एक सर्कुलर सर्कल में, लेट्स से इस पॉइंट पे देखते हैं, तो इसका सेंटर जो है लेट्स से ये वाला है, ठीक है। तो जब सर्कल में टर्न करना है तो उसकी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगी, दैट वुड बी टुवर्ड्स द ऑरिजिन बोल सकते हैं, सेंटर बोल सकते हैं। और जो उसकी टेंजेंशियल होगी वो क्या होगी, इसके सर्फेस के परपेंडिकुलर या नॉर्मल। तो दोनों में एंगल कितना आएगा, 90 डिग्री। तो दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो कैसे निकालेंगे, सिंपल, दो वेक्टर्स का वेक्टर सम लेना है विद 90 डिग्री। तो यहाँ पे कर रहा हूँ AC square plus AT square का अंडर रूट, ये टोटल एक्सेलरेशन है। तो AC की वैल्यू कितनी है अपने पास, फाइंड करनी पड़ेगी। AT की वैल्यू कितनी है, 0.5 का स्केयर प्लस AC की वैल्यू देख लेते हैं। अभी ध्यान से देखो, वैसे सारे के सारे, अभी अगर अपने पास ऑप्शन में 0.5 से बड़े वाला एक ऑप्शन होता फिर तो अपने सॉल्व करने की रिक्वायरमेंट नहीं थी, बट अभी क्या अपने पास सारे के सारे ऑप्शन बड़े हैं। तो AC की वैल्यू निकालेंगे, AC का सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, That is V square by R. तो V की वैल्यू कितनी गिवन है, 7.5 square by R. R कितना है, 80 meter. अगर इसको अप्रोक्सीमेटली सॉल्व करेंगे, करके दिखाता हूँ मैं सिर्फ आपको कैलकुलेशन ऐसे नहीं बताऊंगा। तो 7.5 को I can write it 15/2. तो 15/2 को दो बार लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, 1/80. तो 15 से 5 क्या 3, 5 क्या 16, 5 80, सही है, होता है। तो अपने पास क्या बचा, इसको चेक करते हैं। अगर 15 को अप्रॉक्स में 16 लेता हूं तो कैंसिल हो जाएगा, तो अपने पास क्या बचेगा, 3/4, तो कितना आ जाएगा, 0.75, ये अप्रॉक्सीमेट है, ठीक है। तो अपने पास यहां पे 0.75 का स्केयर आएगा। अब इसको सॉल्व कर सकते हो, आपका पास आंसर आ जाएगा। तो आंसर देख लेना मेरे हिसाब से, अभी थोड़ा सा सेंस बनाते हैं। एक टर्म तो 0.75 है, दूसरी टर्म 0.5 है, तो पॉइंट ये वाला कैंसिल, ये कैंसिल, ठीक है, क्योंकि जिस जो इसका सम होना चाहिए वो 0.75 से बड़ा होना चाहिए। ये वाला क्या है, ये क्लोज टू 0.75 है, ये नहीं हो सकता, सॉल्व करके भी देख सकते हो। तो आंसर क्या बनना चाहिए, 0.86 मेरे अकॉर्डिंग ये होना चाहिए। कैलकुलेटर उठा के चेक, कैलकुलेशन इसकी क्रॉस चेक कर लेना, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और मैं दोबारा बोल रहा हूँ, अगर आपको चाहिए कि इस वीडियो से मैक्सिमम बेनिफिट हो तो सबसे अच्छा मेथड ये है, आप पॉज करो वीडियो को, ढंग से बैठो, पेपर पेन उठा के बैठो, क्वेश्चन हर एक को खुद करो, क्वेश्चन करो, उसके बाद इसकी डिस्कशन देखो, क्या कर रहा हूं क्या नहीं कर रहा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, अ प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन विद स्पीड। अभी ये अच्छे वाला क्वेश्चन है, ढंग से समझ लेना, इसको थोड़ी सी स्पेस बढ़ा देते हैं, हो जाए भाई मेरे, यस। अ प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन विद अ वेलोसिटी, अभी प्रोजेक्टाइल को फायर किया ऐसे किया, तो प्रोजेक्टाइल की स्पीड जो है 10√2 meter/s है, एंगल है 45 डिग्री, ठीक है। तो ये सेंटर पॉइंट ले लेते हैं, 45 द इंटरवल बिटवीन द मूवमेंट्स व्हेन द स्पीड इज 20√25 meter/s। अब इसको ना निकालने का एक ईजी मेथड है, अगर आप बुक वाले को फॉलो करोगे तो एक टिपिकल मेथड बताएगा, बट आई विल फिगर आउट अ सिंपल मेथड। तो देखो कैसे करते हैं, अभी जो इसका 10√2 है, इसके दो कंपोनेंट्स होंगे, एक तो हो जाएगा पर अपने पास हॉरिजॉन्टल, एक होगा वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल कितना होगा, 10√2 cos 45। तो cos 45 सभी को बताना चाहिए कितना होता है, 10√2 cos 45 इज 1/√2, रूट टू से रूट टू कैंसिल, क्या बचा, 10 meter/s, ठीक है। तो यही 10 वाली जो टर्म होगी, यही वर्टिकल की स्पीड होगी। अब ढंग से समझ लेना क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है और लेंथी नहीं है, अगर आप बुक से देखोगे काफी कॉम्प्लिकेट किया हुआ है। तो उसने बोला है कि हम लेट से ये कोई पॉइंट है जहां पे उसकी स्पीड कितनी है, 125 meter/s, एक ये पॉइंट हो गया, उसके बाद ये पॉइंट मान लेते हैं। तो यहाँ पे स्पीड 125 meter/s, हमने इस दोनों स्पीड के बीच में टाइम इंटरवल फाइंड करना है। तो सभी को क्लियर क्या करना है, स्टेटमेंट पढ़ लो दोबारा से, अभी देखते हैं। अभी उसने बोला है कि अभी हम टोटल टाइम निकालते हैं, पहले टोटल टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, 2u sin theta/g। यू कितना है, 10√2, साइन थीटा कितना है, 1/√2, क्योंकि 45 ही लेना है, तो 10 आ गया, 10 से 10 कैंसिल, ये से ये कैंसिल, कितना आ गया, 2 सेकेंड। तो 2 सेकेंड तो आंसर अपने पास नहीं हो सकता, बिकॉज टोटल टाइम 2 सेकेंड है, तो आंसर 2 सेकेंड से कम वाला ही होगा। उसके बाद हम देखते हैं, अभी जो
प्रोजेक्टाइल होता है उसमें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट। तो अपने पास ये वाली चीज क्या रहेगी, कांस्टेंट। तो वेरिएबल कौन सी होगी, वर्टिकल वाली। वर्टिकल वाली क्या हो रहा है, बॉडी अप जा रही है तो वेलोसिटी कम होगी। वेलोसिटी कम क्यों होगी, क्योंकि ग्रेविटी उसको नीचे पुल करेगी। तो एक्सेलरेशन कितनी लेनी पड़ेगी, माइनस जी। माइनस जी क्या लूंगा मैं, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अभी अगर 125 को, रूट वाले को, अभी इस पॉइंट पे दो कंपोनेंट्स हो जाएंगे, एक वर्टिकल, ठीक है, एक हॉरिजॉन्टल। इसका नेट कंपोनेंट क्या है, 125 का रूट है। ध्यान से समझो क्या बोल रहा हूं, अभी यहां पे जो वेलोसिटी है उसका नेट कंपोनेंट क्या है, टोटल कंबाइंड वर्टिकल प्लस हॉरिजॉन्टल का, वो कितना है, वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर का 125, और जो हॉरिजॉन्टल है वो क्या है 10। तो हॉरिजॉन्टल का कितना होगा, स्क्वायर करके 100, इसका कितना आ गया 125 प्लस वी वाई स्क्वायर। तो वी वाई स्क्वायर कितना बना, दैट कम्स आउट टू बी 25 का अंडर रूट, 5 मीटर पर सेकेंड। इट मींस किस टाइम पे, ध्यान से समझो, दिस इज ओरिजिन पॉइंट, किस टाइम पे पॉइंट ओ से पॉइंट पी गई बॉडी, और पॉइंट पी पे उसका वर्टिकल कंपोनेंट कितना होना चाहिए, 5 मीटर पर सेकेंड, और उसका इनिशियली वर्टिकल कंपोनेंट कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं, अगर हमारे पास फाइनल वेलोसिटी 5 है, तो मैं इक्वेशन लगा रहा हूँ, बी इज इक्वल टू यू प्लस सी टी, ठीक है। फाइनल 5 है, इनिशियल कितनी 10 है, स्पीड कम हो रही है, बॉडी ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है तो -10 उसकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगेगी। तो टाइम कितना लगेगा, दैट कम्स आउट टू बी -5 बाय -10, 0.5 सेकेंड। खत्म आंसर आपका। कैसे, ध्यान से समझो, अगर पॉइंट ओ से लेके पी तक, ओ से लेके पी तक 0.5 सेकेंड लग रहा है, ठीक है। पॉइंट इसको एस एन, इसको क्यू बोल देता हूँ, तो एस से क्यू तक का टाइम कितना होना चाहिए, ये सिमेट्रिकल सिस्टम होता है, 0.5 सेकेंड। टोटल टाइम कितना हो गया, 1 सेकेंड, सम कर दिया तो अपने पास ये मोशन हो गया, ये 0.5 सेकेंड का, ये 0.5 सेकेंड का, टोटल टाइम कितना है, 2 सेकेंड। तो 2 सेकेंड में से अगर 0.5 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड ऑप्शन आंसर में है, यस वी हैव दैट आंसर। समझे, दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूं, देख लो, जो अपने पास इनिशियल वेलोसिटी थी दैट इज 10√2, 10√2 के दो कंपोनेंट्स ले लिए, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट विल रिमेन सेम, वो चेंज नहीं करता, प्रॉपर्टी होती है उसका, सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट चेंज होगा। वर्टिकल कंपोनेंट भी क्यों चेंज होगा, ड्यू टू ग्रेविटी। और अगर उस पॉइंट पे, जो भी पॉइंट इसने बोला है, स्पीड उसकी 125 है, 125 का मतलब क्या बनता है कि दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एक्स एक्सिस प्लस वाई एक्सिस का कंपोनेंट। अभी x एक्सिस का कंपोनेंट की वैल्यू कितनी है, 100, तो y की कितनी है, √25, दैट कम्स आउट टू बी 5, बस हो गया। अगर 5 हमें चाहिए वर्टिकल वेलोसिटी, तो फॉर्मूला लगाएंगे v इज इक्वल टू u प्लस at, ठीक है। तो v 5 है, u 10 है, और इसके साथ t की वैल्यू कितनी है, 0.5, मतलब o से लेके पॉइंट p तक बॉडी को कितना टाइम लग रहा है, 0.5 सेकेंड। सिमिलरली फ्रॉम s टू q कितना टाइम लगेगा, दैट ऑल्सो विल बी 0.5 सेकेंड। तो टोटल जर्नी का टाइम कितना है, 2 सेकंड। तो 2 में से 1 माइनस किया तो कितना बच गया, 1। तो इस हिसाब से अपना आंसर आ गया, ठीक है, क्लियर सभी को। नेक्स्ट देखते हैं, अभी नेक्स्ट दो ही हैं, सिंपल सिंपल है। स्टेटमेंट रीड करो इसके, इफ अ स्केलर एंड अ वेक्टर क्वांटिटी ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, देन द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, सिंपल है, अगर उसका मैग्नीट्यूड सेम है, ए डॉट बी का मैग्नीट्यूड जो है वो ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड से सेम होगा, ठीक है। तो ए डॉट बी क्या होता है, ए बी कॉस थीटा, ए क्रॉस बी क्या होता है, ए बी साइन थीटा, होता वेक्टर है, बट यहाँ पे ड्यू टू मैग्नीट्यूड फीचर हमने क्या कर लिया, सिर्फ वेक्टर क्वांटिटी लगा दी। तो टेन थीटा कितना बन गया, 1 आ गया, तो थीटा कितना गया, 45 डिग्री, सोचने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, तो 45 डिग्री आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट वाला भी ऐसे ही है, द मैक्सिमम रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल फायर्ड विद सम इनिशियल वेलोसिटी, लॉजिकल ये वीडियो जाने वाली है 45 या घंटे की, 45 मिनट या घंटे की, बट आपको अगर इससे मैक्सिमम ऑब्टेन करना है तो उसको पॉज करो, खुद क्वेश्चन ट्राई करो, उसके बाद यहाँ पे देखो, द मैक्सिमम रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज 1000 मीटर, ठीक है। मैक्सिमम रेंज किस एंगल पे होती है, 45 डिग्री पे, ठीक है। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, u स्क्वायर साइन 2 थीटा, मतलब साइन 90 बाय जी, इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, 1000 मीटर। इन एब्सेंस ऑफ विंड एंड एयर द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द प्रोजेक्टाइल इज, हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। तो ये लॉजिकली क्या बनेगा अपने पास, मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द प्रोजेक्टाइल इज, तो प्रोजेक्टाइल कितनी मैक्सिमम हाइट ऑब्टेन कर सकता है, अभी मैक्सिमम रेंज की बात कर रहे थे, ठीक है। स्टेप समझो, अगर इस
गिवन सिस्टम में, गिवन प्रोजेक्टाइल में बात कर रहा है मैक्सिमम रेंज के लिए तो 45 हो गया। यहां पे अगर ये 1000 दिया हुआ है, ठीक है, तो जो रेंज और हाइट का लिंक होता है वो 1/4 होता है, तो 250 मीटर इसकी हाइट आएगी इन दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। अगर उसको हम तो अपने पास यहां पे क्या बोला स्टेटमेंट द्वारा रीड करो, द मैक्सिमम रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल फायर्ड विद सम इनिशियल वेलोसिटी इज 1000 मीटर, द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द प्रोजेक्टाइल इज, उसी प्रोजेक्टाइल के द्वारा अपने पास मैक्सिमम कितनी हाइट रीच की 250। अगर वो बोले कि हमने इसको दोबारा फायर करना है तो फायर कैसे पॉसिबल है, सीधा, तो सीधे से एंगल कितना आएगा 90 डिग्री, और सीधा जाएगा ऊपर गया जस्ट वापस आया, तो उसकी हाइट क्या बोलेंगे एच, तो एच क्या बन गया यू स्क्वायर साइन स्क्वायर। अभी एंगल कितना पॉसिबल है यहाँ पे मैक्सिमम हाइट के लिए, That is 90 divide by 2g, ठीक है, तो ये बनेगा u square by 2g, तो u square by g कितना है 1000 है, ये दिया हुआ है, ये देखो, ठीक है, तो divide by 2 कितना आएगा 500, तो मतलब अगर मैंने दोबारा उसको फायर करना है एट डिफरेंट एंगल तो मैक्सिमम कितनी हाइट जा सकता है, तो वो कितना आएगा रेंज का हाफ, दैट इज 500, ठीक है, सिंपल। नेक्स्ट देख लो अभी, नेक्स्ट वाला छोड़ो, ये वाला, यस, अभी जो क्वेश्चन मैं स्किप किए एक दो वो इस रीजन के कारण किए क्योंकि उनको एक्सप्लेन करने में आधा घंटे से ज्यादा लग जाएगा, ठीक है, और कुछ की स्टेटमेंट में प्रॉब्लम है। अभी ये वाला देखो, अ प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड एट एंगल 30 डिग्री, 30 डिग्री पे प्रोजेक्टाइल को फायर किया टू अ हॉरिजॉन्टल सच दैट द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ इट्स इनिशियल वेलोसिटी इज 80 मीटर पर सेकेंड। अभी डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, कुछ एंगल पे फायर किया सच दैट उसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो 80 मीटर पर सेकेंड, कुछ पर्टिकुलर वेलोसिटी पे फायर किया, पता नहीं कितनी पे किया, 30 पे दिया हुआ है, ठीक है, ये अपने पास हो जाएगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, दैट इज वी कॉस 30। अभी ये 80 किसके इक्वल है, वी साइन 30, साइन 30 कितने इक्वल होता है वी बाय 2, तो अपने पास वी कितना आ गया 160 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, समझे। इट्स टाइम टू फ्लाइट इज टी, अभी टाइम कितना फ्लाइट का टी, तो हमारे पास स्पीड गिवन है, हमारे पास एंगल गिवन है, तो हम क्या निकाल सकते हैं टाइम, टाइम निकालने का लॉजिक क्या होएगा, वैसे 80 से भी निकाल सकते हैं, टाइम का फॉर्मूला होता है 2u sin थीटा बाय जी, तो 2u कितना है 160, sin थीटा कितना है sin 30 10, तो कैंसिल हो गया, तो कितना बन गया अपने पास 16 सेकेंड। अभी 16 सेकेंड इज द टोटल टाइम ड्यूरेशन फॉर द फ्लाइंग, तो उसने बोला इट्स वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू t बाय 4 हैज अ मैग्नीट्यूड, तो t बाय 4 कितना होएगा, दैट इज 16 बाय 4 4 सेकेंड, तो 4 सेकेंड पे, लेट्स अज्यूम यहां पे 8 सेकेंड है, यहां पे 4 सेकेंड है, अभी यहां पे अगर हमने वेलोसिटी निकालनी है तो इसके दो कंपोनेंट्स होंगे, एक होएगा हॉरिजॉन्टल, एक होएगा वर्टिकल, दिस इज vx दिस इज vy, तो अपने पास नेट वेलोसिटी क्या होगी वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर का अंडर रूट। वी एक्स क्या होता है कांस्टेंट, वी एक्स कितना है 160 रूट 3 बाय 2 कितना हो गया 80 रूट 3, तो यहाँ पे वी एक्स लगा लिया 80 रूट 3 का अंडर रूट, ये हो जाएगा 8 × 8 = 6400 × 3 प्लस वी वाई की वैल्यू निकालनी है 4 सेकंड के बाद कितना आएगा, वी का फॉर्मूला यू प्लस 80, ध्यान से देखो इनिशियल कितनी है वर्टिकल 80 है, ठीक है, जब बॉडी ऊपर जाएगी तो ग्रेविटी क्या करेगी नीचे पुश करेगी, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी -10, टाइम कितना लेना है 4 सेकंड, तो 80 -40 कितना आ गया 40 मीटर पर सेकंड, तो 40 यहां पे पुट कर देते हैं, 40 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आएगा 1600, यहां से अभी अगर 40 आप कॉमन निकालना तो निकाल सकते हो, 1600 कॉमन निकाल दिया मैंने 100 में, तो ब्रैकेट में कितना आ गया 3 × 4 दैट इज 12 + 1 कितना आ गया, ये 16 4 4 3 12 40 × √30, अगर इसका अप्रॉक्स देखते हैं तो 40 × √12 कर लेते हैं रूट 12 16 का 4 रूट 9 का 3, तो अभी रूट 13 क्या हो गया इसके इन बिटवीन है, तो इसका ले लेते हैं 3.5 ले लेते हैं, ठीक है, 3.5 को मैं लिख सकता हूँ 35, तो डिवाइड कर दिया कैंसिल हो गया, तो 35 140 के नियर अबाउट आंसर होना चाहिए, तो 140 वाला कोई ऑप्शन है, यस सी इज द आंसर, ठीक है। अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ा,
तो आराम से देखो इस क्वेश्चन को कैसे किया है। इंटरेस्टिंग है, अच्छा क्वेश्चन है ये, यू विल एंजॉय इट। जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ वो अच्छे वाले क्वेश्चन है, आपको अच्छा लगेगा करके। तो सबसे बेटर वे क्या है, पॉज करो, खुद सॉल्व करो, फिर देखो। नेक्स्ट देखो, एक आई प्लस ये है, एक आई माइनस ये है, हमने एंगल फाइंड करना है। तो एंगल वैसे ना इसको मैं ऐसे ही बता देता हूँ आपको, ठीक है। अभी अगर i प्लस जे करना है तो लेट से i यहाँ पे है, j ये वाला है, माइनस j ये वाला होगा। डायग्राम में से गलती हो रही है ये, अब ठीक है। दिस इज i, दिस इज j, दिस इज माइनस j। अगर i प्लस जे करेंगे तो इक्वल सा बनेगा, तो ये कितना बन जाएगा 45 डिग्री पे, ठीक है, क्योंकि एक सिमेट्रिकल सिस्टम होता है, इक्वल वैल्यूज होती है, तो 45 होगा। आई माइनस जे करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, अगेन 45 पे आ जाएगा। तो दिस इज आई प्लस जे का सम, दिस इज आई माइनस जे का सम, तो टोटल एंगल कितना हो गया 90 डिग्री। दैट्स इट, मैंने मेथड बताया नहीं, जोड़ती नहीं। अदरवाइज क्या होता है अपने पास, मेथड क्या होता है, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, वैसे भी कर सकते हो, बट जरूरत क्या है, जैसे क्वेश्चन है वैसे हम स्टेटमेंट कर रहे हैं। ज्यादा नीचे क्यों हो गया, गिरा। द पोजिशन ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय, अपने पास पोजिशन गिवन है, ठीक है, यहां पे दोबारा लिख लेते हैं। आर इज इक्वल टू 3t आई कैप प्लस 2t स्क्वायर जे कैप प्लस 5k कैप। प्रॉपर यूनिट्स फॉर आर इन मीटर्स, तो मीटर में दिया हुआ, ठीक है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एट पार्टिकल टी इज इक्वल टू 1 सेकंड। वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, डी आर बाई डी टी। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका डेरिवेटिव, तो 3t का डेरिवेटिव 3i प्लस 2 का 2t स्क्वायर का 2t जे कैप प्लस k के हाथ क्या है, कॉन्स्टेंट टर्म है, तो जीरो हो जाएगा। तो ये 1 सेकंड के लिए फाइंड करना है, तो कितना आएगा 3i प्लस 4 इंटू 1j, तो ये बनेगा 3i प्लस 4j, तो वेलोसिटी आ गई, ठीक है। तो इसका रिजल्ट जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना होगा, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर का रूट, तो कितना आ गया 5। इसका एंगल कितना आएगा, थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा इज इक्वल टू वाई बाई एक्स होता है, y कंपोनेंट कितना है, ये 4 वाला y है, ठीक है, जो j के साथ है, और x वाला कितना है, जो i के साथ है, दैट इज 3। तो थीटा कितना हो गया 4/3 देखो 4/3 ये रहा, और स्पीड कितनी है 5, तो अपने पास ये ऑप्शन आ गया। सिंपल, क्लियर सभी को। नेक्स्ट देखो, हमने फाइंड करना है वेक्टर ए का कंपोनेंट अलोंग द डायरेक्शन आई प्लस जे, तो अपने पास डायरेक्शन जो है आई प्लस जे की होगी। तो अभी लॉजिकल क्या होता है, जैसे नीचे जे बी वेक्टर है, बी कितना है अपने पास आई प्लस जे, तो जे वाला क्या है ए वेक्टर है, कोई एंगल है, तो ए का कंपोनेंट देखना हमने इसके अलोंग, तो कंपोनेंट कितना आएगा ए कॉस थीटा। तो ए कॉस थीटा निकालने का मेथड देखो क्या होता है, अगर a डॉट b करते हैं तो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट कितना आएगा, ए बी कॉस थीटा, तो अपने पास a कॉस थीटा कितना आ जाएगा, दैट वुड बी a डॉट b बाय b का मैग्नीट्यूड। a डॉट b कितना आएगा, अभी a के वेक्टर को b से मल्टीप्लाई करना है, तो i को i के साथ, तो यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं 2i प्लस 3j डॉट विद i प्लस j, तो 2 को 1 से किया मल्टीप्लाई 2 स्केलर प्रोडक्ट है, 3 को 1 से किया प्लस 3, तो कितना आ गया 5, तो यहाँ पे कितना आ गया 5, और साथ में b वाला जो है अपने पास, ठीक है, b वेक्टर क्या है, b b b ये रहा, तो b वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, दैट इज √2। तो उसने क्या बोला, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन दिस, तो कंपोनेंट कितना है 5/√2, तो अपने पास आंसर क्या आ गया 5/√2। होप आपको ये चीज समझ में आई होगी, ईजी है, डिफिकल्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू, अभी हमने बताना है ये थ्योरी का क्वेश्चन है कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। अ स्केलर क्वांटिटी इज वन दैट इज कंजर्व्ड इन द प्रोसेस, क्यों जरूरी नहीं है, स्केलर क्वांटिटी क्यों कंजर्व होगी, ठीक है। नेक्स्ट है, अ स्केलर क्वांटिटी इज वन दैट कैन नेवर टेक नेगेटिव वैल्यूज, क्यों, टेम्परेचर स्केलर क्वांटिटी स्टिल इट हैज अ नेगेटिव टेम्परेचर,
then scalar quantity is the one that does not vary from point to point to another in a space. Nahi fark padta hai. Potential is a scalar quantity. Phir bhi uska difference hai. A scalar quantity has the same value for the observers with different orientation of the axis. Scalar quantity jo hoti hai, wo observation pe depend nahi karti. वो हमेशा क्या रहती है सेम रहती है तो स्केलर क्वांटिटी हैज अ सेम वैल्यू फॉर द ऑब्जर्वर ये वाला सही है डज नॉट वेरी फ्रॉम एक मिनट क्वांटिटी इज वन दैट डज नॉट वेरी फ्रॉम पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन द स्पेस ये चेंज करेगी ये गलत है अ स्केलर क्वांटिटी इज देन दैट डज नॉट टेक नेगेटिव वैल्यू ये गलत है और सेम कंजर्व रहती है इट कैन बी राइट आंसर ठीक है बाकी एक बार मैं चेक कर लूंगा क्रॉस चेक कर लेंगे स्टेटमेंट पे फिर नेक्स्ट वाले जो वीडियो होगी उसमें मैं डिस्कस कर लूंगा देन वी हैव रेन इज फॉलिंग ये क्वेश्चन अच्छे वाला है देख लो ढंग से ये वैसे ही नीट में एक दो एग्जाम में आ जाता है रेन इज फॉलिंग वर्टिकली With a speed of 30 meter per second, rain vertically down जा रही है 30 meter per second पे, ठीक है? A woman rides a bicycle, speed 12 दी हुई है, in east to west, यहाँ पे east है, ये west है, तो woman यहाँ पे ride कर रही है east to west, मतलब यहाँ पे ride कर रही है with 12 meter per second, तो हमेशा क्या देखना होता है, जहाँ पे बंदा ride कर रहा था ना, तो उसके opposite direction में person की velocity लेनी होती है, तो ये person की velocity को negative में ले लिया, minus, ठीक है? What is the direction in which she should hold the umbrella? अभी इस logic को समझो ध्यान से. Angle तो देख लेते हैं हम. यहाँ से angle निकालो या यहाँ से angle निकालो. कोई चक्कर नहीं. जैसे यहाँ से निकाल लेते हैं. आपको थोड़ा easy हो जाएगा समझने में. अभी ये वाली side 12 है, ये 30 है. अगर मैं vertical के angle लेता हूँ, वैसे होता vertical में ही है इसका. तो tan theta कितना हो जाएगा? This is theta. Theta कितना आएगा? इसके सामने वाली side 12, जिस पे rest किया है 30, तो वो 4 से गया. 6 से गया 5, 6 से गया 2, 2/5 आ गया, ठीक है? तो theta is equal to tan inverse 2/5 है, but सोच के देखो कि जब rider west को जा रहा है, तो वो east वाली direction में umbrella hold करेगा कि west वाली में करेगा, ये वाले में करेगा। अगर आप observe करो कि जिस direction में हम move करते हैं, उसी direction में हम umbrella hold करते हैं, तो इसी चक्कर में अगर मैं minus vp यहाँ पे लेता, तो इसका component ये बनना था, ठीक है? तो vertical का वाला जो होता पार्ट ये वाला थीटा होता थीटा वैल्यू सेम थी तो ये वाला थीटा होता तो अभी उसने अम्ब्रेला जो होल्ड करना है वो कहां से करना है उसने उसी डायरेक्शन में करना है जहां पे वो मूव कर रहा है पर्सन ठीक है तो वो हम मूव कर रहा है वेस्ट के साथ तो एंगल थीटा विद द वेस्ट तो अभी एंगल 2/5 हो गया कंफर्म है ठीक है वर्टिकल टुवर्ड्स ईस्ट नो वर्टिकल टुवर्ड्स वेस्ट यस इट कैन बी एन आंसर समझ गए कैसे बोला मैंने नेक्स्ट देखो अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम A particle starts from origin at t is equal to 0. अभी ये क्वेश्चन अच्छे वाला है. ढंग से समझना इसको. With a velocity 5i, तो particle की initial velocity कितनी है? 5i meter per second. And moves in xy plane under the action of force of acceleration. 3i plus 2j meter per second square. अभी x-axis में उसकी acceleration कितनी है? 3. Vertical में कितनी है? y. y x मतलब 2. What is the y coordinate of the particle at an instant its x coordinate is 84 meter जब उसका x coordinate 84 meter पे है तो x axis की value कितनी है 84 meter हमने y axis की value बतानी है अभी अपने पास x axis की y axis की velocity 0 x axis की अपने पास given है तो अपने पास s is equal to ut plus half at square का formula होता है हम इसको x एक्सिस के बीच में लेंगे ठीक है मैं बताता हूं क्या करना ध्यान से देखो x की वैल्यू कितनी है 84 u कितने दैट इज 5 जो x एक्सिस के टाइम हमने फाइंड करना है प्लस हाफ एक्सेलरेशन कितनी है 3 टाइम हमने फाइंड करना है अभी यहां पे मैं हिट एंड ट्रायल मेथड लूंगा लेट्स से अभी ध्यान से देखो 84 अगर होना है 84 इज ए प्रॉपर नंबर ये कोई फ्रैक्शन वाला नहीं है तो ये 1/2 और 3 t जो है 1/2 से कैंसिल करेगा इट मींस जो t होएगा 2 का मल्टीपल होएगा इट कैन बी 2 इट कैन बी 4 इट कैन बी 6 तो पुट करके देखते हैं 2 पुट करके देते हैं 10 प्लस
269 नहीं बन रहा, 4 पुट करते हैं 20 प्लस 1 बाई 2, 3, 4 पुट किया 16, 8, 20, 20 प्लस 24, नो ये भी नहीं बन रहा, फिर दूसरा 6 पुट करके देखते हैं, तो अब आएगा 5, 6 प्लस हाफ 3, 6 इंटू 6, तो 2 यहां से कैंसिल हो गया, 3, 3, 9, ये हो गया 30, 9, 9, 6 है 54, ये बन गया, yes, तो अपने पास कितना टाइम आ गया, तो 6 वाला सही है, तो टाइम कितना बन रहा है 6 सेकंड, 6 सेकंड्स में बॉडी जो है वो x एक्सिस 84 पे पहुंच रहा है। अभी अपने पास सेम फॉर्मूला लगाएंगे y एक्सिस में भी, ut plus half at square, ध्यान से देखो क्या करना है, u की वैल्यू कितनी है 0 क्योंकि उसने दिया ही नहीं, प्लस हाफ, एक्सेलरेशन कितनी है 2, ठीक है, t कितना है 6 into 6, 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना बन गया 36 मीटर, तो अपने पास आंसर क्या आ गया 36 मीटर। अभी अगर आप इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करते हैं, मतलब जो अपने पास 84 इज इक्वल टू 5t प्लस 1 बाय 2 3t स्क्वायर बन रहा है, अभी इसको अगर आप सॉल्व करते अपने क्वाड्रेटिक से तो बहुत प्रॉब्लम होनी थी, ठीक है, इसी चक्कर में क्वाड्रेटिक की बजाय मैंने क्या किया, हिट एंड ट्रायल किया। अभी बताने को आपको टाइम लगा है, बट अगर आप थोड़ा सा फोकस से करोगे ना तो 6 ऐसी माइंड में आ जाता है, दिस रिक्वायर्स अ प्रैक्टिस। जब मैं क्वेश्चन देख रहा था तो 6 मेरे माइंड में ऐसे ही आ गया था, इसीलिए मैं बोल रहा था इसका एक न्यू मेथड बताता हूं, एंड आप उस मेथड को लर्न करोगे आपको अच्छा लगेगा। नेक्स्ट ये एक ये भी टेढ़े वाला क्वेश्चन है थोड़ा, ठीक है देख लो, देख लें कितने टाइम हो गया। अब इसका लास्ट क्वेश्चन है, बाकी क्वेश्चन फिर कल कर देते हैं जितने भी रह जाएंगे, बट आई गेस देख लेते हैं कितने क्वेश्चन पेंडिंग है, मेरे हिसाब से एक दो क्वेश्चन ही रहेंगे, 39, 40, 41, 40, यस, तीन चार क्वेश्चन रह गए, आप तो कंप्लीट करके जाते हैं, कोई चक्कर नहीं, एक 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 वीडियो में कंप्लीट करते हैं इसको। फ्रॉम ए एलिवेटेड पॉइंट, कोई पॉइंट है एलिवेटेड वाला, ठीक है, पॉइंट पी, अ स्टोन इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड, स्टोन को ऊपर फेंका फिर नीचे आएगा स्टोन, व्हेन द स्टोन रीचेस अ डिस्टेंस एच बिलो पी, सेम कर देते हैं पॉइंट, तो जब एच पॉइंट इस पे पहुंचा, इट्स वेलोसिटी इज डबल ऑफ इट्स वेलोसिटी एट एच, एच अबव द पी, लेट्स से दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, तो एच अबव है एच बिलो है, तो यहाँ पे वेलोसिटी v थी, अगर सिमेट्रिकल है चलेगी तो यहाँ पे वेलोसिटी कितनी होगी v होगी, ठीक है। अभी यहाँ पे बोल देते हैं, ये वाला बोल देते हैं x, y बोल देते हैं, चलो अभी उसने बोला है b पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी 2v है, पॉइंट a पे वेलोसिटी v है, तो अपने पास कितना डिस्टेंस है 2h है, तो मैं क्या करूंगा, मैं a से इसको भी a बोल देते हैं, ठीक है, a टू b इक्वेशन लगाते हैं, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर 2a, s बोल देते हैं, h बोलते हैं, s बोल देते हैं, 2v स्क्वायर माइनस v स्क्वायर इज इक्वल टू 2, जी s की वैल्यू कितनी है 2h है, ठीक है, तो यहाँ कितना बनेगा 4v स्क्वायर, मतलब 3v स्क्वायर इज इक्वल टू 4gh। अब इसको यहीं पे छोड़ो, अगर मैं पॉइंट a से, दिस इज पॉइंट q बोल देते हैं, a से q की इक्वेशन लगाता हूँ, ठीक है, तो a से q कितना आएगा, टॉप पे वेलोसिटी कितनी होती है बॉडी की 0, तभी बॉडी वापस आती है, अगर टॉप पे वेलोसिटी 0 नहीं होगी बॉडी वापस कैसे आएगी, तो अपने पास इक्वेशन लगेगी v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर 2a, तो v कितना अपने पास 0 टॉप पे, u कितना है v स्क्वायर 2, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी माइनस g, s की वैल्यू कितनी है y, ठीक है, a से लेके q तक हमने वायलेट किया, तो y कितना आ जाएगा v स्क्वायर बाय 2g, अभी v स्क्वायर बाय 2g की यहां से वैल्यू चाहिए, तो v स्क्वायर बाय gh की वैल्यू कितनी आएगी 3, एक मिनट देखने दो, v स्क्वायर बाय 4 बाय 3 एच, अभी ये वाला एच यहाँ से कैंसिल कर देते हैं, तो एच यहाँ पे आ गया, अभी अगर हमने 2 चाहिए तो ये बनेगा 1 बाई 2, 4 बाई 3 एच कैंसिल हो गया, तो कितना बन गया 2 बाई 3 एच, ये किसकी वैल्यू है, अभी ध्यान से देखो, अभी अपने पास ये वाला पोर्शन एच है और ये वाला पोर्शन क्या है वाई, तो टोटल हाइट कितनी होगी, टोटल हाइट हो जाएगी अपने पास वाई प्लस एच, वाई कितना अपने पास 2 बाई 3 एच प्लस एच दूसरे वाला, तो कितना बनेगा टोटल, इट वुड बी 3 एलसीएम 2 प्लस 3 एच, तो कितना बन गया 5 बाई 3 एच बन गया, ठीक है, तो अपने पास ऑप्शन में 5 बाई 3 एच है, सही है। अभी इसको दोबारा देखो क्वेश्चन को, इंटरेस्टिंग है, लेंथी है बट ये,
लेंथी है तो एक्सप्लेन भी कर दिया मैंने प्रॉपरली, तो आप डायग्राम को ढंग से देखो और उसको समझो कैसे किया है, ठीक है। पॉज करो वीडियो को, क्वेश्चन काफी सारे अभी इस मेथड से फायदा करेगा, क्वेश्चन क्वांटिटी ऑफ क्वेश्चन बढ़ जाएगी। बोल बोल के मेरा भी गला दुखने लगे। नेक्स्ट, अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल विद होरिजोनटल रेंज 300 है, इफ द टाइम ऑफ फ्लाइट इज 6 सेकंड देन द होरिजोनटल कंपोनेंट वेलोसिटी इज, सिंपल है, बहुत बहुत सिंपल क्वेश्चन है। उसकी रेंज दी हुई है 300 मीटर, टाइम ऑफ फ्लाइट है 6 सेकंड, ठीक है। तो हमने क्या निकालना है, यू एक्स, तो एक्स इज इक्वल टू वी टी लगा दो, सिंपल 300 इज इक्वल टू वी एक्स इंटू 6, तो वी एक्स कितना हो जाएगा 300 बाई 6, कैंसिल कर दो 50 मीटर पर सेकेंड, तो 50 मीटर पर सेकेंड। अगर आप सभी को मेरा एफर्ट कुछ भी अच्छा लग रहा है तो अपने फ्रेंड्स से शेयर करो और साथ में उनसे डिस्कस करो, जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं बैठा हूं मैं आपके लिए, व्हाट्सएप आप मेरे को कर सकते हो क्वेश्चन, ठीक है। आई विल बी मोर देन हैप्पी अगर एक भी सिंगल भी बच्चा इससे अच्छा लग के और फॉलो करता है, अगर किसी का भी कोई दो नंबर भी इंप्रूव होते हैं आई विल बी मोर देन हैप्पी। तो मेरा जो काम कर रहा हूं उसका सक्सेसफुल यही है कि आपको अच्छा लगना चाहिए और आप इससे कुछ लर्न करने चाहिए। इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन द एंगल बिटवीन द वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर बोला है तो वेलोसिटी क्या होगी टेंजेंट, एक्सीलरेशन क्या होगी सेंट्रीपिटल, सिर्फ सेंट्रीपिटल होगी, तो दोनों में एंगल कितना आएगा 90। ये कौन सा पॉसिबल है यूनिफॉर्म सर्कुलर के लिए, ठीक है, बिकॉज जब ये एक्सीलरेट करेगा तो यहाँ पे ए की वैल्यू होगी कुछ, तो उसका रिजल्ट मतलब 80 होएगा तो रिजल्टेंट होएगा, तो उससे एंगल वेरी करेगा। तो अगर ये सिर्फ वैलिड है ओनली फॉर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जिसमें स्पीड क्या है बॉडी की कॉन्स्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट देख लो, नेक्स्ट ये वाला भी लेंथी क्वेश्चन है, लेंथी लेंथी क्वेश्चन ना, अभी एक दो रह गए, एक दो, यस दो क्वेश्चन रह गए, तो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा, ठीक है। ये वाला कर देते हैं, ये छोटा सा 42 वाला नेक्स्ट वीडियो में कर दूंगा, लेंथी है थोड़ा सा ज्यादा। इन अ लिफ्ट मूविंग अप विद एक्सीलरेशन 5, अ बॉल इज ड्रॉप्ड, ड्रॉप किया बॉल को, यू जीरो ले लो, हाइट जो है लिफ्ट की 1.25 मीटर है, द टाइम टेकन बाय द बॉल टू रीच द ग्राउंड इन द लिफ्ट, तो सारी लिफ्ट क्या जा रही है ऊपर जा रही है विद एक्सीलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। 5 की तो अपने पास s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है, ध्यान से देखो s कितना है 1.25, u कितना है 0, एक्सीलरेशन कितनी है, अभी अगर बॉडी अप जाती है तो एक्सीलरेशन क्या होती है प्लस होती है ग्रेविटी से, तो ये आएगा g प्लस a इंटू टी स्क्वायर, सॉल्व कर लेते हैं, प्लस हाफ g कितना है 10, a कितना है 5 टी स्क्वायर, 1.25 इधर आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते तो ये बनेगा 2.5 डिवाइड बाई 15 का अंडर रूट, तो 2.5 को कैंसिल करते हैं 1/6 कितना होता है अप्रॉक्सीमेटली, जैसे 15/6 90 बोल देते हैं, 16/6 का कितना होता है 96 हो जाता है, तो इसको हम बोलेंगे 0.16 का अप्रॉक्स अंडर रूट, 0.16 का कितना होता है 0.4, तो 0.4 सेकंड का आंसर, ठीक है। अभी 42 जो है नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर दूंगा, क्वेश्चन को स्पेशल इन्वॉल्व कर दूंगा, आज के लिए इतना ही, बहुत है, थैंक यू।